नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जॉब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की जा रही है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है। यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप जॉब मिलती है तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड आपको 1 ईयर तक ट्रेनिंग कराएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ 15,000 रुपए सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो यह जॉब पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की जा रही है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 21 जुलाई से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 20 अगस्त 2021 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एसटीएससी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, यानी कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा और आईटीआई पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले ग्रेजुएट की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट है। यदि हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्टेट का नंबर ऑफ पोस्ट कैसे देख सकते हैं। और यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बीई, बीटेक या फिर बीएससी, यहां पर जितनी भी ब्रांचें दिखाई गई इन्हीं ब्रांचों में होना चाहिए। और यदि आपको ग्रेजुएट पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप मिलती है तो आपको 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन की बात करें तो 12 मंथ यानी कि 1 ईयर आपका अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन होगा। नेक्स्ट डिप्लोमा पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग है, जो कि वीडियो में हम आपको आगे बता देंगे कि किस तरीके से आपको नंबर ऑफ पोस्ट देखना है। और यदि आपका सिलेक्शन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर होता है तो आपको 12,000 पर मंथ सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। इसी तरह से आईटीआई की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल में आईटीआई होना चाहिए। यदि आपका इलेक्ट्रिकल में आईटीआई है तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 11,000 पर मंथ सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन परसेंटेज के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। यदि आप इन सभी में पास हो जाते हैं तो आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एनएटीएस पोर्टल पर इनरोल होना होगा। एनएटीएस पोर्टल पर इनरोल होने के लिए यहां पर वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पर जाके आपको सबसे पहले एनएटीएस पोर्टल पर इनरोल करना है। इनरोल करने के बाद आपको 16 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। यदि आपने इसके पहले एनएटीएस पोर्टल पर इनरोल कर रखा है तो आपका उसी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से काम चल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एनएटीएस पोर्टल पर 16 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आपको पावर ग्रिड वेबसाइट से यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस फॉर्म को हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और इसके साथ साथ प्रत्येक स्टेट में कितनी नंबर आप पोस्ट हैं कैसे चेक करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यही पेज ओपन होगा। यह पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए जब आप नीचे आएंगे, आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जब आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ इस वेबसाइट का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए और इसके साथ साथ प्रत्येक स्टेट का नंबर आप पोस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नोटिफिकेशन डाउनलोड क्लिक। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यही पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं। पेज ओपन होने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है और इस वाले कॉलम में आप नीचे देखेंगे तो लगभग प्रत्येक स्टेट का नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमें चेक करना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे कॉलम में यहां पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दिया गया है।
यानी कि इन सभी स्टेट की वैकेंसी को कंबाइंड कर दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारी लिस्ट दी गई हैं जिसमें कई स्टेट की वैकेंसियां कंबाइंड है। तो हमें उत्तर प्रदेश की वैकेंसी चेक करनी है, तो सेकंड वाले कॉलम में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ दिख रहा है। तो ठीक इसी के सामने आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर का लिंक दिख रहा है, इसी क्लिक हियर के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहां पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में कुल कितनी वैकेंसी है पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप जिस स्टेट से हैं पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इसी पेज पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो इसी क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्टेट में जितनी वैकेंसी है उसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो सिंपली आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है और क्लिक हियर टू लॉगिन। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करके उसके बाद ही अप्लाई करना है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में दिया गया है और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का, अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।